पर एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा संरक्षण नियम का, ऑप्शन नंबर बी केपलर नियम का, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति के तीसरे नियम का, ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का द्रव्यमान संरक्षण नियम का। टेरा ब्लू एक्सटीटीजे नामक स्मार्ट ग्लव्स आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद साथियों। साथियों आप लोग को बतला दे, अभी के सेशन में हम आप लोग को कराने वाले हैं टॉप 20 PYQ क्वेश्चंस फॉर रेलवे एग्जाम 2024। PYQ क्वेश्चंस यानी कि साथियों प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस अभी के सेशन में आप लोग के ऐड कर दिए गए हैं। और ये ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि PYQ यानी कि PYQ में भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी कि जो भी हम आप लोग को अभी क्वेश्चन कराने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर में 2 बार 3 बार ऐसे जो है पूछे हुए क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे साथियों। और आप लोग को बतला दें हमारे मित्र, जितने भी या इसमें क्वेश्चन हैं PYQ के साथ साथ जो भी TCS पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम आप लोग को इस सेशन में ऐड किए हैं। TCS पैटर्न पर मैंने क्यों ऐड किया है आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग को बता दें रेलवे का जो आप लोग का एग्जाम होगा वो TCS का ही कंडक्ट करा रही है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको सूचना दे दें कि ये जो सेशन है ये सेशन हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना करके सभी का लिंक आप लोग को जो है उसी में अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग जाकर के जो भी कैंडिडेट चैनल पर हैं वो सभी पहले के क्लासेस को वॉच करिए और अपने प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए साथियों। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, बताइए। TCS पैटर्न 2021 पर आप लोग का ये क्वेश्चन है। चीन में, यूरोप में, भारत में या फिर अमेरिका में आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था साथियों? 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, फटाफट आप लोग राइट आंसर दीजिएगा हमारे मित्र। एंड आप लोग एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाइए, उससे क्या होगा जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट का आंसर सबसे पहले आप लोग वहां पर लिख लीजिए, लास्ट में मैच करिएगा कि हाँ आप लोग का 20 में कितना सही होता है साथियों। देखिए आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूरोप में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ विल्सन ने, मार्टिन कूपर ने, एडविन लैंड ने, जॉन लॉयड राइट ने, बताइए मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था साथियों। आप लोग को बतला दें जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। एंड इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा हमारे मित्र, वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करिएगा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मार्टिन कूपर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, बतलाइए। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? आप लोग के ऑप्शन नंबर ए है घर्षण ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, स्थितिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऑप्शन नंबर डी है गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट साथियों, गतिज ऊर्जा एंड प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ध्यान रखिएगा बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ध्यान रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये आप लोग का बहुत ही VVI क्वेश्चन है साथियों। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रख लीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश के द्वारा बनाया गया है, बताइए। TCS पैटर्न पर आधारित आप लोग का 2022 का ये क्वेश्चन है। हेनरी फोर्ड, कार्ल वेंच, ह्यूग कैलमरस या फिर होरेस एंगिस डॉर्ज, बताइए। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश के द्वारा बनाया गया था, बताइए किसके द्वारा बनाया गया था।
पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्ल वेंज के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बतलाते साथियों, ये जो हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं ये रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों देखिए, सभी एग्जाम्स के लिए क्यों? क्योंकि सारे आप लोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई कोई क्वेश्चन इसमें से ग्रुप डी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है सिर्फ एएलपी टेक्निशियन के लिए, आरपीएफ ग्रुप डी एनटीपीसी जिसका भी आप लोग रेलवे का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये सेशन मजबूत होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश में लेजर तकनीक यानी कि लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बताइए किसमें लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है? बारकोड रीडिंग में, कटिंग और ड्रिलिंग में, माइक्रोवेव ओवन में, या फिर फिजियोथेरेपी में? बताइए किसमें आप लोग का लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माइक्रोवेव ओवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे साथियों, हवा में डैश की नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, हवा में डैश की नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। बताइए आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। बताइए हवा में डैश नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे डेलेक्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पैरामीटर, पार्सेक, प्रकाश वर्ष, या फिर हबल की लंबाई? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये टीसीएस पैटर्न 2021 पर आधारित क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। आप लोग के 4 ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवेकुलेटेड ट्यूब कलेक्टर, या फिर ऑप्शन नंबर बी लाइन फोक्सिंग कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ऑप्शन नंबर डी पैराबोलिक डिश कलेक्टर। आप लोग के सही आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, तो आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे पैराबोलिक डिश कलेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा वह उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए? ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सेलेरोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, या फिर टेकोमीटर? डैश उपकरण कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं मोटर गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, बतला दे साथियों जो भी कैंडिडेट्स अभी तक इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमारे पास मैसेज आता है कि सर ये प्रैक्टिस सेट को इंग्लिश में भी करवाइए, तो बतला दे साथियों आप लोग के लिए इंग्लिश का जब आप लोग पिछले एक दो दिनों से जो है डिमांड किए हुए हैं कुछ कैंडिडेट्स, तो उनके लिए क्वेश्चन टाइप हो रहा है। जैसे ही सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ रेडी हो जाता है हम आप लोग को इंग्लिश में भी प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर देंगे, बस कुछ दिन का टाइम हमें दीजिए साथियों, आप लोग को सारा हम कमिंग कंप्लीट कर देंगे मित्र। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए? तो बतला दें आप लोगों को साथियों गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है वह किसके लिए किया जाता है, तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी पैटर्न पर ये आप लोग का आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश यानी कि कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी या फिर वोल्ट मीटर। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? समुद्र तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी है ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टीसीएस पैटर्न 2022 का ये आप लोग का क्वेश्चन है। क्या मापता है? टार्क, चक्कर प्रति मिनट, घूर्णी गति ऊर्जा या फिर दूरी। बताते हैं आप लोग को टैकोमीटर का प्रयोग जो है वो क्या मापने के लिए होता है, तो आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, टेरा ब्लू एक्सटीटीजे नामक स्मार्ट ग्लव्स का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? ये आरआरसी ग्रुप डी 11/10/2018 को ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेरा ब्लू एक्सटीटीजे नामक स्मार्ट ग्लव का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है अर्चना एस आर, ऑप्शन नंबर बी चैनिका वरुआ, ऑप्शन नंबर सी राजलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी अंकिता टेका। राइट आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? टेरा ब्लू एक्सटीटीजे नामक स्मार्ट ग्लव्स आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजलक्ष्मी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक सेशन को वॉच कर रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे साथियों हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मित्र, एंड आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग को एकदम वादा करेंगे कि हमारे चैनल से आप लोग कभी भी फ्यूचर में निराश नहीं होने देंगे साथियों, आप लोग के लिए हमारा चैनल हेल्पफुल साबित होगा ये हम आप लोग से वादा करेंगे मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल है ठीक है, ऊर्जा के रूप को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। चलिए टीसीएस पैटर्न 2022 पर आप लोग का आधारित क्वेश्चन है। आप लोग के ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर या फिर रिपीटर। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल यानी कि ऊर्जा के रूप को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा संरक्षण नियम का, ऑप्शन नंबर बी केपलर नियम का, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति के तीसरे नियम का, ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का द्रव्यमान संरक्षण नियम का। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऊर्जा संरक्षण नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं।
पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है बतलाइए। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से क्या गलत है, यानी कि इन चारों में से कौन सा जो है आप लोग का ऑप्शन गलत है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? टीसीएस पैटर्न 2023 पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है रिक्टर पैमाने पर 8-9 का तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ऑप्शन नंबर सी है इसे भूकंप मापी के उपयोग के द्वारा नापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है यह एक लघु गणकीय पैमाना है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे साथियों रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कान के संबंध में संबंधित भौतिकी का शाखा को डैश कहा जाता है। क्वांटम भौतिकी, उसमें प्रायोगिकी, खगोल भौतिकी, कर्ण भौतिकी। टीसीएस पैटर्न 2022 पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध से संबंधित भौतिकी की शाखा को डैश कहा जाता है। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे उसमें प्रायोगिकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं बतला दे हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का जितना भी 9 आप लोग के लिए सेट कराए हैं उस 9 सेट का हम आप लोग का प्लेलिस्ट एक बना करके लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाकर के सभी क्लासेस को वॉच करिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए मित्र। कर रहे 20 नंबर क्वेश्चन ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को नापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को नापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, पेडोमीटर। आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को नापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथियों इसके साथ हम लोग का आज का सेशन जो है समाप्त होता है और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं उन लोग से हम बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे सुबह में प्रैक्टिस सेट एंड शाम के 7 बजे आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट ऐसे आज से स्टार्ट कर देंगे एक और क्लास एंड सुबह में आप लोग का डेली 8 बजे ये प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। सुबह के 8 बजे शाम के 7 बजे टाइम को याद रखिएगा। एंड इसके साथ हमारे चैनल पर आप लोग के जितने भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स आते हैं कुछ बदलाव किए जाते हैं सारे अपडेट्स भी आप लोग को बतलाए जाते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल का आप लोग चैनल पर एक बार विजिट करके देख सकते हैं। उस पर आप लोग के लिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अभी के समय में वीडियो बनाए गए हैं जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। रेलवे के एग्जाम्स के लिए हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा स्पेशली साबित होगा साथियों। आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखें, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशंस जो है अपलोड किए गए हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ और एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।